हेलो गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ बीएससी फाइनल ईयर। आज हम द्वितीय फिजिक्स की क्लास में नाभिक की पोटेंशियल रिलीज के बारे में पढ़ेंगे, जो कि नाभिक के बल के ऊपर आता है। अभी तक हमने म्यूनिक एक्सकरण विधि पढ़ ली थी, जिसके अंदर हमने आवेश त्रिज्या का मापन किया था तथा साथ में आवेश त्रिज्या के मापन के साथ हमने आवेश वितरण घनत्व के बारे में पढ़ा था कि किस क्षेत्र तक आवेश का वितरण किया गया, जिसके वजह से उसके अंदर नाभिक या जो किरणें उत्पन्न होती है उनकी एनर्जी कम क्यों होती है, ज्यादा क्यों होती है। हमने एक्सकरण म्यूनिक विधि के अंदर पढ़ा था कि हम अगर किसी भी उच्च ऊर्जा के प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जैसे कणों को अगर नाभिक के ऊपर इंसिडेंट करते हैं तो उनसे हमें मैसोनिक कण प्राप्त होते हैं। मैसोनिक कण पाई मैसोन या म्यू मैसोन के रूप में होते हैं। और म्यू मैसोन को जब नाभिक क्या करता है, अगर ग्रहण कर लेता है तो ग्रहण करने के पश्चात नाभिक इन्हें क्या करता है, अपने बाह्यतम कक्षाओं में रखता है। बोर के कक्षा रेडियस बोर के द्वारा इलेक्ट्रॉनिक कक्षा की रेडियस तथा एनर्जी के द्वारा हमने जब म्यूनिक कक्षा म्यूनिक जब ना म्यूनिक परमाणु जिसको जिसमें नाभिक ने म्यून परमाणु को ग्रहण किया था, उस म्यूनिक परमाणु में म्यून के बाह्यतम कक्षा का म्यूनिक परमाणु की कक्षा की रेडियस निकाली तो हमने पाया कि वो म्यून कण नाभिक के अंदर स्थित है। तथा साथ में हमने यह भी देखा कि वह म्यून का नाभिक के अंदर और भी अंदर वाली कक्षा के अंदर संक्रमण करते हैं। संक्रमण के दौरान एक्स किरणों का उत्सर्जन होता है तथा एक्स किरणों के उत्सर्जन की एनर्जी हम जो किरणें उत्सर्जित हुई उन किरणों की हमने जब एनर्जी बोर की जो हाइड्रोजन परमाणु की कल परिकल्पना थी उस एनर्जी के आधार पर हमने उन कणों की जब एनर्जी निकाली तो एनर्जी -17.6 MeV बहुत ही कम एनर्जी प्राप्त हुई। इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि उस नाभिक के अंदर जो आवेश का वितरण है वो बहुत ही कम क्षेत्र पर तक है या बहुत ही कम क्षेत्र पर है। वहीं पर अगर इस एनर्जी का इन एक्सकरणों की एनर्जी बहुत ही ज्यादा प्राप्त होती तब हम कह सकते थे कि उन कणों की एनर्जी क्या थी, क्या एनर्जी बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उस नाभिक के अंदर आवेश का वितरण क्या बहुत ही अधिक क्षेत्र का क्या। अभी मैंने आपका ये आपके आवेश ऊर्जा का वितरण हमने मैंने इसलिए बताया क्योंकि आप लोगों को उस मैसोनिक विधि मैसोनिक एक्सकरणों की विधि उसमें आप लोगों को ये दिख रहा था कि जो नाभिक के जो मैसोन कण नाभिक के द्वारा ग्रहण किए गए थे वो क्या हो रहे थे, वो चक्र कहाँ निकल रहे, वो नाभिक के अंदर किन्नी किन्नी कक्षाओं में चक्र लगा रहे थे। तो आप लोगों को ये भी पता चल गया होगा उस विधि में कि जो आवेश त्रिज्या का मान वो नाभिक की त्रिज्या के से भी कम हो सकता है। तो ये उसके अंदर मैन पॉइंट था। अब हम पढ़ेंगे पोटेंशियल रेडियस। पोटेंशियल रेडियस से पहले आप लोगों को ये जानना जरूरी है कि जो नाभिक बल होता है उसका मान क्या होता है, बहुत ही कम या उसका मान जो होता है वो बहुत ही अधिक होता है। जो प्रकृति के अंदर नॉर्मली चार बल पड़ते हैं उन चार बलों में सबसे प्रबल बल कौन सा होता है, नाभिक बल होता है। और दूसरी चीज ये भी कि उन सब प्रभावी बलों में ये सबसे प्रभावी भी होता है और इसकी जो रेंज होती है वो सबसे कम भी होती है, जो कि न्यूक्लियर रेडियस के बराबर होती है। इसी बल जो ये बल उत्पन्न होता है जिस विभव के कारण इस बल का उत्पन्न होता है उस विभव की परास्ति क्या होगी, बहुत ही कम होगी। तथा यह वह कोई जहां तक किसी कण पर नाभिक के विभव प्रेरित होता है, नाभिक के विभव प्रेरित होगा, प्रेरित नाभिक के विभव कब प्रेरित होगा, आप लोगों को मालूम है विभव की परिभाषा क्या होती है। विभव के अंदर आप क्या कहते हो, किसी भी कण के विद्युत क्षेत्र के अंदर अगर आप बाहर से किसी भी आवेश को लाते हैं तो आवेश को लाने में जो किया गया कार्य है वो अपन विभव के रूप में परिभाषित कर देते हैं। इसी प्रकार से किसी भी बल द्वारा किसी नाभिक के अंदर किसी भी कण के नाभिक के बल द्वारा उसको नाभिक के बल के परिक्षेत्र में लाने पर उसके अंदर एक विभव उत्प्रेरित किया जाता है। जिस दूरी पर क्या विभव प्रेरित होता है उसी दूरी को हम क्या बोलते हैं, विभव त्रिज्या बोलते हैं। यहाँ पर विभव त्रिज्या को हम नाभिक की त्रिज्या की तरह ही आर से प्रदर्शित करते हैं। आर से प्रदर्शित करने का कारण ये होता है क्योंकि विभव त्रिज्या जो होती है वो किसके ऊपर डिपेंड करती होती है, और नाभिक के बल के ऊपर डिपेंड होती है, क्योंकि नाभिक के बल के द्वारा ही हम क्या कर पाते हैं, विभव त्रिज्या का मान ज्ञात कर पाते हैं। और विभव त्रिज्या का मान आर जो होता है वो सदैव आवेश त्रिज्या से कम से ज्यादा होता है। इसका कारण ये होता है क्योंकि आपने जो एक्सकरण मैसोनिक विधि पढ़ी थी, मैसोनिक कणों की एक्सकरण विधि पढ़ी थी, उसमें आपने देखा था कि जो एक्सकरण उत्सर्जित हो रही थी वो नाभिक के अंदर से किसी कक्षा से उत्सर्जित हो रही थी। इसका मतलब ये था कि जो आवेश त्रिज्या का मान था वो नाभिक की त्रिज्या से कम होता है। इस वजह से भी जो विभव त्रिज्या जो होती है उनका मान क्या होता है, आवेश त्रिज्या से अधिक होता है। तथा इस विभव त्रिज्या का ज्ञात करने के लिए जो नॉर्मली दो विधियों का यूज किया जाता है, एक तो न्यूट्रॉनों की प्रकीर्णन विधि और दूसरी होती है अल्फा उत्सर्जकों के जीवन काल से। ये अल्फा जीव कणों का उत्सर्जन जो है उसके लिए आपने जो एक टनल विधि थी
जिससे जब आप कणों को नाभिक के पृष्ठ के ऊपर उपस्थित विभव के ऊपर इंसिडेंट करते थे, तो उस कंडीशन के अंदर ये कण इस विभव को भेद देकर जब बाहर की तरफ निकलते थे, तो इस नाभिक के विभव के पृष्ठ से अल्पा कणों का उत्सर्जन होता था। इन अल्पा कणों को उत्सर्जन से में जो समय लगता था, उस समय के आधार के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, विभव त्रिज्या का मापन कर सकते हैं। तो इन अल्पा कणों के उत्सर्जन के लिए हम क्या करते थे, हम भारी कणों के द्वारा जब अल्पा कणों का उत्सर्जन का अध्ययन करते थे, तो सबसे पहले आपने क्वांटम यांत्रिकी के अंदर टनल इफेक्ट पढ़ा था। उस टनल इफेक्ट के अंदर क्या होता था कि कण जो एक जो कणों का इंसिडेंट होता था किसी भी भारी नाभिक के विभव पृष्ठ के ऊपर, तो वो विभव पृष्ठ के ऊपर एक कण क्या करते थे, नाभिकों को क्या करते भेदन के द्वारा कण द्वारा किन का उत्सर्जन होता था, अल्फा कणों का उत्सर्जन होता था। तथा इन अल्फा कणों के उत्सर्जन में जो समय लगता था, या जो इनके अल्फा कणों के नाभिक के द्वारा जो इन अल्फा कणों का सेव होता था, उसमें जो समय लगता था, उस समय के आधार पर हम क्या कर सकते थे, उस समय के सैद्धांतिक सूत्र के आधार पर हम नाभिक की विभव त्रिज्या का मापन कर सकते थे। और दूसरी चीज हम ये भी कह सकते कि विभव त्रिज्या क्या होगी, नाभिक के केंद्र से वह दूरी बता सकते हैं जिस दूरी में नाभिक के पृष्ठ से अल्फा कणों का क्या हो रहा है, उत्सर्जन हो रहा है। तो इस वजह से अल्फा कणों की रेडियस का भी क्या होगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके अंदर अल्फा उत्सर्जक के जीवन काल से विभव त्रिज्या का मापन करने में। अब जिन कणों द्वारा टनल इफेक्ट के अंदर नाभिक के पृष्ठ के ऊपर विभव का जो पोटेंशियल है, नाभिक के पृष्ठ पर जो पोटेंशियल होता था, उस पोटेंशियल को भेदा जाता था, तो उस भेदन की जो प्रायिकता होती थी वो क्या होती थी, वो टी बराबर एक्सपोनेंशियल माइनस के जी होती थी, जिसमें जी का मान जो जी के कांस्टेंट होता था, इस जी का मान जो होता था वो कौन से सूत्र से दिया जाता था, इस सूत्र से, जहाँ पर जी बराबर टू अपॉन एच कट एम जेड ई स्क्वायर बी अपॉन पाई एप्सिलॉन नॉट की पावर 1/2 कॉस इनवर्स रूट आर अपॉन बी माइनस के रूट आर अपॉन बी माइनस के रूट आर स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। यहाँ पर आर तो क्या है, विभव त्रिज्या, तथा बी वह दूरी है जिस जगह पर नाभिक या किसी भी कण के द्वारा जिस अल्फा कण की जो ऊर्जा होती है, जो अल्फा कण उसे भी बोले उनकी ऊर्जा किसके बराबर होती है, विभव ऊर्जा या कुलम विभव ऊर्जा बी सी बराबर टू जेड स्क्वायर और फोर पाई एप्सिलॉन जीरो आर के बराबर होती है। मतलब नाभिक के जो कण नाभिक से या जो अल्फा कण नाभिक से उत्सर्जित हो रहे उनके ऊपर जो कुलम बल लगता है, उस कुलम बल के कारण जो एनर्जी होती है वो कुलम विभव ऊर्जा होती है, और वह ऊर्जा अल्फा कण की एनर्जी के अंदर बराबर हो जाती है। तो इन दोनों के जिस दूरी के ऊपर ये एनर्जी अल्फा कण की एनर्जी के बराबर हो जाएगी, उस दूरी को किससे प्रदर्शित करेंगे, बी से प्रदर्शित करेंगे। अब आप लोगों को मालूम है भेदन होगा किसी भी नाभिक के ऊपर जो विभव है, नाभिक के पृष्ठ ऊपर विभव है, उसमें भेदन एक बार तो जो नाभिक जो भी कण उस पृष्ठ के ऊपर टकराएंगे वो एक बार टकराएंगे नहीं, बहुत बार टकराएंगे। अगर मान लो कि प्रति सेकंड अगर टकराने कि आवर्ती किससे प्रदर्शित की जाती है, एन से, तो प्रति सेकंड वो विभव कोई भी कण अगर नाभिक के ऊपर या नाभिक के पृष्ठ के ऊपर के विभव को कितनी बार भेदता है, उसकी प्रायिकता क्या होगी, टी बराबर एन टी। क्योंकि अगर एक बार भेदन की प्रायिकता टी है, तो एन बार टकराव के पश्चात भेदने की प्रायिकता क्या होगी, एन इन टू टी से प्रदर्शित की जाएगी। इस विक्रम अल्फा सेल का मध्य जीवन, इसका विक्रम, अब इसी प्रायिकता का विक्रम फॉर्म किससे अल्फा कण के जीवन काल से प्रदर्शित करते हैं, जहां पर टो एन बराबर क्या होगा, वन अपॉन टी बराबर वन अपॉन टी एन टी। अब ये सूत्र तो है कि सैद्धांतिक सूत्र है, इस सैद्धांतिक सूत्र के आधार के ऊपर हम पूर्ण रूप से अल्फा कण के सह का जीवन काल नहीं ज्ञात कर सकते, कुछ उसके लिए क्या करना पड़ेगा, उसके क्यों इसका कारण क्या होगा, क्योंकि हम लोगों को मालूम है कि अल्फा कण का सह का अल्फा कण के सह का जीवन काल इस सूत्र से ज्ञात करने का मेन कारण यह है, क्योंकि आवेश त्रिज्या का मान जो होता है वो क्या होता है, विभव त्रिज्या से कम होता है, और जितने कम क्षेत्रफल का आवेश विकसित होगा उतनी ही ज्यादा क्या होगी, विभव त्रिज्या होगी, क्योंकि विभव त्रिज्या किसके ऊपर डिपेंड करती है, न्यूक्लियर रेडियस के ऊपर, न्यूक्लियर फोर्स के ऊपर डिपेंड करती है। उस वजह से भी क्या होती है, इस टाइम पीरियड की तरह हम क्या नहीं कर सकते, जो अल्फा कणों का साथ यथार्थ या फिर आप परफेक्ट जो लाइफ टाइम है वो भी ज्ञात नहीं कर सकते सह का। तो उस परफेक्ट लाइफ टाइम ज्ञात करने के लिए क्या होगा, आप लोगों हम लोगों को क्या करना पड़ेगी, जो नाभिक की रेडियस है उसके साथ साथ हमको क्या करनी पड़ेगी, अल्फा कणों की रेडियस का भी मान, या जो हम नाभिक की विभव त्रिज्या ज्ञात करते हैं, विभव त्रिज्या को ज्ञात करने के लिए हमको क्या करनी पड़ेगी, नाभिक की त्रिज्या के साथ साथ हमको क्या करनी पड़ेगी,
अल्फा कणों की रेडियस का भी यूज करना पड़ता है। उस आधार के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नाभिक की विभव त्रिज्या आर का मान ज्ञात कर सकते हैं, जिसमें आर ए प्लस आर अल्फा आता है। तो आर ए जो होती है वो क्या होती है, नाभिक की रेडियस होती है। जिस नाभिक के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, किसी भी कण का हम क्या कर रहे हैं, नाभिक के ऊपर इंसिडेंट कर रहे हैं। तो इस सूत्र से हम क्या कर सकते हैं, इसकी विभव त्रिज्या का मान ज्ञात कर सकते हैं। तो ध्यान रखना, इस अल्फा के ऑक्सीजन के जीवन काल के लिए हम क्या करते हैं, किसी भी कण को क्या करते हैं, नाभिक के पृष्ठ पर जो विभव होता है उसके ऊपर इंसिडेंट करते हैं। तब हम कणों के नाभिक के पृष्ठ को, नाभिक के पृष्ठ पर विभव के भेदन से अल्फा कणों का ऑक्सीजन होता है। तथा उन अल्फा कणों के ऑक्सीजन की भेदन की प्रायिकता के आधार के ऊपर हम क्या करते हैं, उस भेदन की प्रायिकता के साथ में जितनी बार अल्फा कोई भी कण नाभिक के पृष्ठ को भेदता है या नाभिक के पृष्ठ के विभव को भेदता है, उन इतनी बार उसकी प्रायिकता के आधार के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, नाभिक के पृष्ठ से अल्फा कणों के सह का मान ज्ञात कर, सह के जीवन काल को ज्ञात करते हैं। तथा उस जीवन काल के आधार के आधार पर हम क्या कर सकते हैं, नाभिक के विभव त्रिज्या का मान ज्ञात करते हैं, जिसमें हम क्या करते हैं, अल्फा कणों की रेडियस का भी यूज करते हैं, जिसके आधार के ऊपर हमको परफेक्ट विभव त्रिज्या भी प्राप्त होती है तथा नाभिकों के अल्फा सह का जीवन काल भी प्राप्त कर सकते हैं। अब तो सेकंड टॉपिक जो होगा इसी के अंदर वो होगा न्यूट्रॉन के प्रकीर्णन। किसी भी नाभिक के नाभिक से अगर न्यूट्रॉन का प्रकीर्णन होता है, उस न्यूट्रॉन के प्रकीर्णन के आधार के ऊपर विभव त्रिज्या का जो प्रैक्टिकली या सैद्धांतिक मान जो प्राप्त हुआ था उसके बारे में पढ़ेंगे। अभी तक हमने जो नाभिक की विभव त्रिज्या है उसके लिए हमने मेथड पढ़ा था कि किसी भी नाभिक के द्वारा अगर अल्फा कणों का ऑक्सीजन किया जाए तो उस अल्फा कणों के का ऑक्सीजन नाभिक के पृष्ठ जिस दूरी के ऊपर होता है उस आधार के ऊपर हम नाभिक की आप विभव त्रिज्या का मापन कर सकते थे। अब उसी के अंदर आगे की तरह हम चलते हुए हम न्यूट्रॉनों के प्रकीर्णन के द्वारा भी हम नाभिक की विभव त्रिज्या का मापन कर सकते हैं। अगर नाभिकों के अंदर न्यूट्रॉनों न्यूट्रॉनों के प्रकीर्णन से विभव त्रिज्या का मापन करना है तो उसके लिए हम लोगों को मालूम है कि न्यूट्रॉन के न्यूट्रॉन जो होता है वो कैसा कण होता है, आवेश एक कण होता है, मतलब उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई आवेश नहीं होता। इसका मतलब ये हुआ कि जब वो नाभिक की नजदीक आ जाए, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि ये न्यूट्रॉन किरण पुंज, क्योंकि कोई भी अगर पार्टिकल नाभिक के पास में जाएगा तो किरण पुंज के रूप में ही जाएगा। अगर मान लो उसके दो मैक्सिमम पॉइंटों के बीच लैम्डा एक्सपेक्ट आकार का कोई न्यूट्रॉन अगर नाभिक से टकराता है तो आपको मालूम है कि ये नाभिक से टकराने के पश्चात क्या होगा, नाभिक के नजदीक जाने के पश्चात इसके ऊपर आप लोगों को क्या मालूम, कूलम आकर्षण बल लगेगा नहीं, क्योंकि कूलम आकर्षण या प्रतिकर्षण बल हमेशा कैसे जो दो आवेश के बीच में लगते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे न्यूट्रॉन के साथ आविष्कृत कण है तो उस वजह से जब न्यूट्रॉन इसके नजदीक आएगा नाभिक के पास में तो इस नाभिक के द्वारा इस नाभिक के अंदर प्रोटॉन तथा न्यूट्रॉन दोनों ही कण है, ये टोटली जो न्यूट्रॉन
जब बहुत सारे न्यूरॉनों का ऋण पुंजिका किसी भी नाभिक पर निश्चित होता है तो उसका जो प्रकीर्णन होता है, उसके प्रकीर्णन के द्वारा जो एल्फा कण उत्सर्जित होते हैं तो वो प्रकीर्णन का परिक्षेत्र जो होगा वो पाई आर प्लस लैम्डा स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा। यहाँ पे लैम्डा स्क्वायर ऐड किया क्योंकि न्यूट्रॉन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, आवेश इलेक्ट्रॉन होते हैं, इनके बाहर से किसी प्रकार का कोई अन्य बल नहीं लगता, तो इस लैम्डा आकार के जो न्यूट्रॉन होते हैं उनके ऊपर हमेशा कौन सा बल लगेगा, नाभिक के बल लगता है। इस वजह से यहाँ पे जो प्रकीर्णन परिक्षेत्र होता है वो क्या होता है, पाई आर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। साथ में अगर कोई भी नाभिक अगर न्यूट्रॉन को अवशोषित कर लेता है प्रकीर्णन के दौरान, तो प्रकीर्णन के दौरान अवशोषित कर रहा है, जिसका मतलब ये हुआ कि इस परिक्षेत्र तक अगर मान लो कि यहाँ तक अगर जो अगर मान लो कि इस जगह पर नाभिक के पास अगर न्यूट्रॉन आ रहा है, उसकी रेडिएशन अगर लैम्डा है, तो लैम्डा अगर रेडिएशन है तो उसका अवतरण या अवशोषण का परिक्षेत्र क्या हो जाएगा, वो भी क्या हो जाएगा, भाई आप इस लैम्डा का अवशोषण के बराबर। इसका मतलब ये कि इसका डबल जो परिक्षेत्र होगा वहां तक के न्यूट्रॉनों को क्या कर सकता है, कोई भी नाभिक अवशोषित कर सकता है या फिर उन न्यूट्रॉनों को वो क्या कर सकता है, प्रकीर्णित कर सकता है। इस वजह से प्रकीर्णन परिक्षेत्र का मान क्या हो जाता है, दो चीजों के बराबर, एक तो जो जिस जगह से जिस बिंदु से नाभिक के द्वारा न्यूट्रॉन पर क्या हो रहा है, प्रकीर्णित हो रहे, दूसरा हुआ जिस जगह से नाभिक के द्वारा न्यूट्रॉनों को क्या कर रहा है, अपने अंदर की तरफ क्या किया जा रहा है, अवशोषित किया जा रहा है, वो वाला परिक्षेत्र। अगर टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिलता है, सिग्मा बराबर 2 पाई कोस्टो में आर प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर, मतलब परिक्षेत्र का मान कितना हो जाएगा, डबल, मतलब जहां से प्रकीर्णित हो रहा है उससे भी डबल परिक्षेत्र के अंदर क्या हो जाएंगे, न्यूट्रॉन क्या होंगे, नाभिकों के द्वारा अवशोषित किए जा रहे हैं। अगर हमको न्यूट्रॉन की रेडियस मानो हो, न्यूट्रॉन पार्टिकल की रेडियस मानो हो, साथ में अगर किसी जो नाभिक उनको प्रकीर्णित कर रहा है उसके डबल प्रकीर्णन परिक्षेत्र का मान मालूम हो, तो इन दोनों वैल्यू का मान मालूम होने पर हम इस आर का मान भी याद कर सकते हैं। और प्रैक्टिकली इस आर की वैल्यू जो प्राप्त होती है वो कितनी होती है, 1.4 प्लस माइनस, जो इसके अंदर एरर होती है 0.1 की होती है 10^-15 मीटर। मतलब ये ख्याल रखना कि कब अगर कभी भी किसी भी न्यूट्रॉन के द्वारा, न्यूट्रॉनों के प्रकीर्णन द्वारा हमको क्या निकालना है, अगर किसी नाभिक की विभव ऊर्जा या नाभिक द्वारा रहने वाले नाभिक के बल का बल के कारण जो न्यूट्रॉन प्रकीर्णित हो रहे हैं उनकी विभव ऊर्जा का मान ज्ञात करना है, कहाँ तक नाभिक के बल न्यूट्रॉन का प्रभावी है, तो उस कंडीशन के अंदर हमेशा ध्यान रखना प्रकीर्णन परिक्षेत्र जो होता है वो हमेशा नॉर्मली न्यूट्रॉन को प्रकीर्णित करने वाले प्रकीर्णन क्षेत्र से भी डबल होता है, क्योंकि जहां से प्रकीर्णित हो रहा है और उतनी ही दूरी के ऊपर अगर दूसरा न्यूट्रॉन भी आ रहा है तो उस न्यूट्रॉन को भी नाभिक क्या कर लेगा, अवशोषित कर लेगा, किसके लिए, विभव ऊर्जा का मान ज्ञात करने के लिए, प्रकीर्णित करने के लिए। तो ध्यान रखना जो प्रकीर्णन परिक्षेत्र जो होता है वो हमेशा क्या होता है, न्यूट्रॉनों के लिए सिग्मा बराबर 2πr+λ का होल स्क्वायर। ये दोनों बिंदु की नाभिक के या तो आप विभव ऊर्जा को नाभिक की त्रिज्या बोलो या फिर विभव ऊर्जा बोलो, क्योंकि दोनों ही कंडीशन के अंदर आप देखोगे तो बल कौन सा लग रहा है, नाभिक के बल लग रहा है, तो नाभिक के बलों के कारण ये क्या हो रहा है, न्यूट्रॉन के प्रकीर्णित होते हैं और अल्फा कण भी नाभिक के बलों के कारण नाभिक के अंदर नाभिक के पृष्ठ को भेदने के पश्चात अल्फा कणों को ऑक्सीजन हो रहा है, दोनों ही कंडीशन में हम क्या करते हैं, नाभिक के विभव ऊर्जा का मान ज्ञात करते हैं। अब जो नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो आपका क्या होगा, नाभिक के प्रचक्रण या फिर आप नाभिक न्यूक्लियर स्पिन बोल सकते हो, जिस जो कि इसका उद्घाटन करेगी, जो कि आप लोगों ने अभी तक आपने जो 12th के अंदर पढ़ा होगा, 1st ईयर के अंदर भी पढ़ी होगी, आपने जो ड्रग पिंड पढ़े थे, ड्रग पिंडों के अंदर कोई भी कण अगर एक अक्ष के सापेक्ष या किसी बिंदु के सापेक्ष अगर गति करता है तो गति के दौरान वो घूर्णन गति करता है, तथा उस घूर्णन गति के कारण समय के साथ उस घूर्णन गति में अगर परिवर्तन होता है तो उसको हम कोणीय समय बोलते हैं, तथा वहीं पर एक निश्चित समय या किसी भी अक्ष के सापेक्ष अगर नाभिक किसी कण द्वारा नाभिक के चारों ओर या किसी बिंदु के चारों ओर कोणों के अंदर या कोणीय विस्थापन में अगर समय के साथ कुछ परिवर्तन होता है, जैसे कि मान लो कि ये एक अक्ष है, इसके सापेक्ष अगर ये चक्कर लगा रहा है, ये पहले मान लो किसी समय पर ये थीटा कोण के पर था और अगले समय के पश्चात किसी कुछ समय के बाद में ये थीटा 2 के ऊपर आ गया, तो किस समय के अंदर क्या हुआ, किसी न किसी एंगल के अंदर परिवर्तन हुआ, किसी न किसी कोण के ऊपर परिवर्तन हुआ, ये जो परिवर्तन होता है ये किसको बताता, कोणीय वेग को बताता। उसी प्रकार से मान लो कि इस कोणीय वेग के अंदर भी अगर समय के साथ कुछ परिवर्तन होता है तो उस समय के परिवर्तन कोणीय वेग में समय के साथ परिवर्तन हम किससे प्रदर्शित करते हैं, कोणीय समय से प्रदर्शित करते हैं।
उसी कौन ये सवेर के आधार के ऊपर हम क्या बनेंगे, किसी भी न्यूक्लियर के अंदर जो प्रक्रिया या स्पिन जो होती है वो क्या होगी, मतलब उस वो स्पिन किस किस के ऊपर डिपेंड करती उसके बारे में पढ़ा जाएगा।